हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा मिश्रा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। वुमेन्स डे के मौके पर तापसी पन्नू अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म बदला रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को सुजय घोष ने डायरेक्ट किया है, तो चलिए ऑडियंस से जानते हैं, ऑडियंस से पूछते हैं कि इनका क्या रिएक्शन है इस फिल्म को लेकर। सो सर, कैसी लगी फिल्म बदला? क्या बोलूं मैं, सुपर 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 हिट, सुपर हिट, सुपर हिट। तापसी पन्नू अमिताभ बच्चन की बात, क्लासिक, एवरीथिंग बेस्ट। तापसी पन्नू तो बेस्ट एक्टिंग है। डायरेक्शन की बात की जाए तो सुजय घोष, कुछ सोचना ही नहीं इसमें, बस जाके देखो, मजा करो, बस एंजॉय आफ्टर लॉन्ग टाइम योर थ्रिलर देख रहे। सो कैसी लगी फिल्म बदला? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। सबसे अच्छी बात बदला में आपको अमिताभ बच्चन का रोल, और अगर का रोल ही अच्छा लगा, क्यों मैं खास उनको देखने के लिए आई थी, और उसमें भी खास करके लॉयर का रोल था, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अमित जी की फैन हूँ और उनकी हर पिक्चर देखती हूँ, तो ये पिक्चर भी देख ली मैंने और मुझे बहुत ही पसंद आई, और साथ में तापसी पन्नू भी बहुत अच्छी लगी। उनका जो आर्गुमेंट था वो काफ़ी अच्छा था। सुजय घोष ने डायरेक्ट किया है फिल्म को, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, कहीं भी पिक्चर रुकती नहीं है, पकड़ के रखती है, तो ऑडियंस को बांध के रखती है। हाँ, बांध के रखती है ऑडियंस को। आउट ऑफ फाइव कितना देना चाहिए? 4। फिल्म एकदम फिनोमिनल है, एक्साइटिंग है, मिस्टीरियस है। मैं तो इसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और जैसे कि मैं यंग हूँ, मुझे अभी कैप्टन मार्वल देखनी चाहिए, लेकिन अगर मैं अमिताभ सर की फिल्म देखने जा रही हूँ तो उसमें कुछ तो बात होगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। डायरेक्शन की बात करें तो ये आपको कितना पसंद है? मैं सुजय घोष सर की फिल्म हमेशा फॉलो करती हूँ, कहानी टू, तो उसमें एक पैटर्न आ जाता है। जब अब आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि इस फिल्म में कोई तो एक पैटर्न है जो वो फॉलो करते हैं। उनका जो सटल मूवमेंट्स है, जो छोटी छोटी बातें, डिटेल्स, अमिताभ सर भी इस पर बहुत फोकस करते हैं कि डिटेल्स पे बात कीजिए, तो वो डिटेल्स में बहुत ही मज़ा आता है देखने में। अमिताभ बच्चन जी की बात करें, तापसी पन्नू की बात करें, तो ये कितने अच्छे से अपने आप को पोर्ट्रेट करते हैं? तापसी पन्नू की परफॉर्मेंस मुझे पिंक में बहुत अच्छी लगी थी, वुमेन्स डे इसलिए मैं उनको देखने के लिए भी गई थी, लेकिन आई थिंक इस मूवी में उनकी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट रही होगी, बिकॉज उन्होंने जो पोर्ट्रेट किया, एक विक्टिम का रोल, एक और चीज़ का रोल उन्होंने पोर्ट्रेट किया है, एज अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन, बहुत ही अच्छा लगा। आउट ऑफ 5 कितना देना चाहिए? 4.5 स्टार्स बनता है, अमिताभ सर की फिल्म है और बहुत अच्छी रोल किया उन्होंने। देखिए, बदला पिक्चर बदला लेने वाली मूवी है, और ये मर्डर मिस्ट्री को इसमें सुलझाने का प्रयत्न किया गया है। सुजय घोष का डायरेक्शन है। ट्रेलर देखने के बाद ही लोगों को मालूम पड़ गया था कि इसमें मर्डर किसने किया है, इसलिए पकड़ मजबूत थी, लेकिन इंटरवल तक पता चल जाता है कि मर्डर किसने किया है, और वो अमिताभ बच्चन लास्ट में प्रूफ करके देते हैं। अच्छा, अगर मैं तापसी पन्नू की बात करूँ, अमिताभ बच्चन की बात करूँ, तो कितने अच्छे से पोर्ट्रे कर पाए हैं वो फिल्म? तापसी पन्नू की एक्टिंग लाजवाब है। उसने एक सिगरेट पीने की एक्टिंग की है, वो बहुत ही काबिल दाद है, और उसने जो बिजनेस, माने जो एम्प्लॉय है जो कंपनी में, और जो वर्किंग वुमेन का रोल किया है, वुमेन्स डे में ये भी एक उपहार है कि हमारी वुमेन्स कहाँ पहुँच गई है। डायरेक्शन स्क्रीन प्ले की बात मैं करूँ तो सुजय घोष की फिल्म है तो बेहतरीन होगी, लेकिन आपसे जानना चाहूँगी, डायरेक्शन भी अच्छा है और लोकेशन भी अच्छा है, यूके बेस्ड मूवी है और वहाँ का सारा लोकेशन बताया है और बहुत ही अच्छी तरह उसका प्रस्तुतिकरण भी किया गया है, लेकिन डायरेक्शन एकदम, मतलब बहुत अच्छी नहीं बोल सकते आप इसमें, क्योंकि सस्पेंस लगभग दर्शकों को पता चल जाता है। अच्छा, तो क्या लगता है कि ऑडियंस के इस पे खड़ी उतर पाएगी? ऐसा है कि देखिए, एंटरटेनमेंट है नहीं, म्यूजिक है नहीं, गाना है नहीं, हीरो है नहीं, किसी तरह का कोई, माने दिल को लुभावे ऐसा कोई चीज़ नहीं है। अब इंटेलेक्चुअल चीज़ है, उसको समझ में अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। आउट ऑफ 5 कितना देना चाहिए? आउट ऑफ 5 3 स्टार। उसके नाम में ही जो है ना, नाम सुन के ही, यानी एकदम मस्त हुई है, सबसे बेस्ट, दोनों का भी काम है अच्छा, बाकी सब ने एक्टिंग तो ठीक है, मगर ये दोनों का पिंक के बाद लाजवाब। डायरेक्शन की बात करें तो सुजय घोष, सुजय घोष का तो डायरेक्शन जबरदस्त है, और दिमाग को ये देते, प्रेशर देते कि लास्ट क्या होएगा, ऐसा नहीं कि बीच में गाना है छोड़ दिया, पकड़ छोड़ दिया, पिक्चर किधर भी पकड़ छोड़ नहीं रही है, एकदम लास्ट तक तुम्हारे कोई भी दूसरा आएगा नहीं मन में, वो पकड़ पिक्चर भी पकड़ में। डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले की बात करें तो वो आपको कितना पसंद आया? एकदम अच्छा लगा, 100%। स्टोरी लाइन में, स्टोरी एकदम सबका, यानी जो पिक्चर अभी बनी है तो सबका श्रेय है उसको,
डायरेक्टर सबका 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 है। तो ओवरऑल ये मान लिया जाए कि ऑडियंस केस पे खड़ी उतरेंगी? उतरेंगी, मेरे ख्याल से तो 400 या 500 करोड़ तक तो धंधा करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, होना ही चाहिए, और ऐसी पिक्चर इसमें आने ही चाहिए। रोज का नाच गाना तो कॉमन। आउट ऑफ 5 कितना देना चाहिए? 5 से 5। बहुत ही अच्छी लगी, अमिताभ और तापसी पन्नू की दोनों की जोड़ी बहुत ही जमती है पिंक के बाद, और जिससे सस्पेंस और थ्रिल पसंद है, सुजोय घोष की कहानी टाइप की मूवी देखने हैं वही आ सकते हैं ये देखने के लिए, क्योंकि सॉन्ग नहीं है इस पिक्चर में, लेकिन हमें बहुत ही अच्छी लगी। ओवरऑल मैं 3.5 दे सकती हूँ। अगर डायरेक्शन वगैरह की बात करें तो वो आपको, वो तो हमेशा जो उनकी थ्रिल रहती है वो तो है ही, लेकिन क्लाइमैक्स इज बेस्ट। अगर स्क्रीन प्ले की बात करें, डायलॉग्स की बात करें, तो वो अपने आप को कितने अच्छे से पोर्ट्रे कर पाए हैं? बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत कैरेक्टर है ही नहीं मूवी में, 4-5 कैरेक्टर ही रहते हैं, तो डायलॉग सबसे ज़्यादा इम्पैक्टिव रहते हैं। और मर्डर मिस्ट्री सुलझाते मतलब कुछ सस्पेंस आपको ऐसा लगा कि नहीं, अगर यहाँ मालूम पड़ जाता है इंटरव्यू के पहले ही मालूम पड़ जाता है कि हु इज़ द कल्प्रिट, लेकिन फिर भी एक थ्रिल रहता है कि कैसे मालूम पड़ता है वो जानने के लिए। और ओवरऑल अमित सर की तो बात ही, वो डायलॉग जो जितने भी उसने महाभारत वाले बताए बहुत A1 डायलॉग थे, और बहुत क्लैप करने का मन किया। आउट ऑफ 5 स्टार कितना? 4। बहुत अच्छी, इट वॉज वेरी अमेजिंग मूवी, वेरी अमेजिंग। डायरेक्शन की बात करें तो सुजय घोष ने किया है, बहुत अच्छा है मूवी, बहुत अच्छी है। उसमें मुझे पिंक मूवी मैंने पहले देखी थी अमिताभ की और तापसी की, उसके हिसाब से मुझे लगा था कि ये भी अच्छी होगी, इसलिए मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही बुक कर दिया, क्योंकि मुझे पता ही था कि बहुत अच्छी है और वर्थ है। तो कितना सस्पेंस है फिल्म के अंदर? बहुत बहुत ज़्यादा सस्पेंस है, स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है, बहुत घुमा फिरा के बहुत अच्छी मूवी, लास्ट में तो झोंकरी किया है उसने, बहुत अच्छा। डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले की बात करें तो वो कितना पसंद आया और क्या बताना चाहिए? अमिताभ तो माइंड ब्लोइंग, अमिताभ तो जो पहले से ही पसंद है, और तापसी की भी अभी तो फैन हो गई हूँ मैं, क्योंकि वो दोनों साथ में है तो बहुत अच्छी मूवी है। आउट ऑफ 5 कितना देना चाहिए? 5 out of 5, 6 हो तो 6 भी दे दूँ। सो कैसी लगी फिल्म बदला? बदला इज़ वेरी गुड मूवी, थ्रिलिंग है, सस्पेंस है, सब कुछ है, और देखने लायक मूवी है। अमिताभ बच्चन तापसी जी की बात करें तो वो अपने आप को कितने अच्छे से पोर्ट्रे कर पाए स्क्रीन पे? दे आर लेजेंड्स, लाइक अमिताभ बच्चन तो लेजेंड है, एंड तापसी वाज आल्सो गुड, लेकिन अमिताभ बच्चन इज फैब। इससे पहले भी उन दोनों की फिल्म साथ में आई थी पिंक, तो उससे कितनी अलग है ये फिल्म, और अगर कंपैरिजन की बात करें तो क्या कुछ बताना चाहेंगे? आई हैव वॉच पिंक मैंने पहले देखी नहीं है, लेकिन ये मूवी देखी, इट्स वेरी गुड, और डेफिनेटली पिंक आगे जाके देखूंगा फ्यूचर में। सुजय घोष ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, कितने अच्छे से वो पोर्ट्रे कर पाए इस चीज़ को? मूवी की स्टोरी लाइन अप है, इट्स वेरी वेरी गुड, लाइक आप सोच नहीं सकते कि ऐसा मूवी का एंड हो सकता है या ऐसा होगा करके, एंड जो कन्वे किया है पूरा का पूरा, लाइक बदला, द मूवी इट्सेल्फ इज अ होल बदला थिंग। स्क्रीन प्ले डायलॉग की अगर बात करें तो वो कितने अच्छे से, मतलब ऑडियंस को देखने को मिलेगा और पसंद आएगा? वेरी गुड, लाइक थोड़े ह्यूमर्स है तो बहुत बहुत अच्छे है, थोड़ा बीच में हमेशा आप देखते हो तो मूवी बोरिंग लगने लगे अगर कुछ ह्यूमर ना हो तो यहाँ पे ह्यूमर भी है थोड़ा अच्छा, एंड यू इट कैन मेक यू लाफ इवन। आउट ऑफ 5 स्टार कितना देना चाहिए? 4। सो कैसी लगी फिल्म बदला? बहुत अच्छी लगी, वेरी नाइस मूवी, आई थिंक इट्स फुल ऑफ सस्पेंस और बहुत ही थ्रिलिंग है, और अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू का दोनों का रोल बहुत अच्छा है एक साथ, और पूरी मूवी में इतना सस्पेंस है कि आप फिगर आउट नहीं कर पाएंगे टिल दी एंड। सुजय घोष की मूवी जैसे कहानी, झंकार बिट्स, कोई भी उनकी जो मूवी है उसमें हम लोग लास्ट तक नहीं फिगर आउट कर पाते कि क्या होने वाला है, तो व्हेन द मिस्ट्री अनरेवल्स इन द एंड इट्स कम्प्लीटली, यू नो, यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ दैट, इट्स सो अमेजिंग। डायरेक्शन की बात करें तो सुजय अपने आप को कितने अच्छे से पोर्ट्रे कर पाए? बहुत अच्छी, यू नो, आई थिंक कहानी मूवी तो हमने उनकी देखी है कि कितनी, यू नो, बेमिसाल मूवी है, और ये मूवी में अमिताभ बच्चन को लाए और इतनी अच्छी तरह से उन्होंने, यू नो, उनको किरदार दिए तापसी पन्नू और अमिताभ बच्चन को, बीच में थोड़ी स्लो पेस्ट हो जाती है बट बहुत एंगेजिंग है और बहुत इंट्रीगिंग है, इतनी इंटरेस्टिंग मूवी है कि आप एंड तक जान नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। अगर अमिताभ बच्चन और इन तापसी की केमिस्ट्री की बात की जाए तो ये आपको इतना पसंद आया? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, आई थिंक दोनों, तापसी पन्नू इज गेटिंग द बेस्ट रोल्स ऑफ अ करियर, और अमिताभ बच्चन के बारे में तो क्या कहें, यू नो, वो तो आउटस्टैंडिंग है ही, एज ऑलवेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स ही डज, सो दोनों का बहुत अच्छा रोल है, और लाइक आई सेड फुल ऑफ सस्पेंस, थ्रिलिंग, एंगेजिंग है, टिल द एंड यू विल एंजॉय, मतलब लोग लास्ट में तालियां बजें,
लोगों को इतनी पसंद आया। एडिटिंग वगैरह बिल्कुल बैंग ऑन है, कहीं भी ड्रैग नहीं किया मूवी को। 2 घंटे की मूवी है तो आपको बांध के रखेगी टिल द एंड। तो मतलब ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी है, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, तो उसकी वजह से लोगों को बहुत पसंद आई मूवी। आउट ऑफ 5 कितना देना चाहिए? 4 स्टार्स। कैसी लगी फिल्म बदला? फिल्म इज ऑसम, सुपर ऑसम, सस्पेंस इज वेरी गुड, एक्टिंग इज वेरी गुड टू, एंड द डायरेक्शन इज गुड, एंड द क्लाइमैक्स इज लाइक प्रेडिक्टेबल बट गुड। तापसी की बात की जाए, अमिताभ बच्चन की बात की जाए, तो कितने अच्छे से पोर्ट्रे कर पाए हैं वो स्क्रीन पे अपने आप को? उनका एक्टिंग इज वेरी गुड, इट वाज लाइक वी वर इन द मूवी, सो इट वाज नाइस। डायरेक्शन की बात कर ले, डायलॉग्स की बात कर ले, तो वो आपको कितना पसंद आया? डायलॉग्स आई वाज लाइक बहुत, यू नो दे ट्राइड टू मेक इट फनी बट इट वाज नॉट दैट फनी, लाइक सम डायलॉग्स दे ट्राइड की लोग मतलब फनी बनाने के लिए, बट इट वाज लाइक ओके, बट द मूवी कॉन्सेप्ट इज वेरी गुड, स्टोरी लाइन इज ऑसम। आउट ऑफ 5 स्टार कितना देना चाहिए? 4.5। सो आपने देखा कि ऑडियंस के बीच कितनी एक्साइटमेंट है इस फिल्म को लेकर, और ऑडियंस को ये फिल्म काफ़ी पसंद आई है। आपको ये फिल्म कितनी पसंद आई है ये हमें ज़रूर बताइए नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में, और बॉलीवुड स्पाई को ज़रूर सब्सक्राइब करें।